हेलो बच्चों, दिस इज कृष्णा वशिष्ठ एंड आई एम योर साइंस टीचर। टुडे वी विल लर्न अबाउट चैप्टर नंबर 13। द नेम ऑफ द चैप्टर इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, एज यू रिमेंबर वी हैड डन ऑलरेडी करंट इलेक्ट्रिसिटी विच वॉज प्रीवियस चैप्टर दैट वॉज डन इन स्कूल, बट ड्यू टू द लॉकडाउन दिस इज द ऑनलाइन क्लास, वेरी फर्स्ट ऑनलाइन क्लास, एंड टुडे आई विल डिस्कस चैप्टर नंबर 13। ओके, there are some effects of electric current. As I told you, if you remember in the school, there are some effects of current electricity. Heating effect is one of them. Magnetic effects of one of them. This whole chapter dedicated to the magnetic effects. Clear? 200-300 सालों पहले basically ये किसी को भी नहीं पता था कि वेदर इलेक्ट्रिक करंट इज लिंक्ड विद मैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, तो बेसिकली ए साइंटिस्ट हुज नेम वॉज हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड, हु हैड डन ए एक्सपेरिमेंट इन हिज लैब, जहाँ पे उन्होंने ये बताया वर्ल्ड को, विश्व को, कि इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट उन्होंने जो है बताया कि भाई अगर हमारे पास एक वायर है और उस वायर में अगर हम एक करंट पास कर देते हैं, और करंट कैसे पास होगा बच्चों, बैटरी के थ्रू। ठीक है, दिस इज द बैटरी, दैट इज वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इन इलेक्ट्रिसिटी, जो कि आपका प्रीवियस चैप्टर है। ठीक है, दिस इज नॉट ए सेल, दिस इज अ बैटरी विच कैन ड्रॉ द इलेक्ट्रिसिटी, और दिस इज ए काइंड ऑफ सर्किट, दिस इज द की, और ये एक रेजिस्टेंस है, और ये एक वायर आप देख रहे हो, एक्स वाई इज द वायर जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। ठीक है, दिस इज द सर्किट। ऐसा ही सेम सेटअप उन्होंने अपनी लैब में तैयार किया, जहां पे उन्होंने ये देखा व्हाट वाज द इंटरेस्टिंग पॉइंट। रिमेंबर, जब इस वायर में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, साथ में उन्होंने एक मैग्नेटिक निडल को रख दिया। मैग्नेटिक निडल आप, या फिर मैग्नेटिक निडल एक ऐसा टूल होता है बच्चों, जहां पे मैग्नेटिक निडल हमें ये बताता है कि उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं। ठीक है, तो जैसे ही उन्होंने करंट को पास किया इस एक्स वाई वायर में, ठीक है, दिस एक्स वाई वायर आई एम टॉकिंग अबाउट, वैसे ही मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, और मैग्नेटिक निडल का डिफ्लेक्ट होना ये शो करता है कि इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। ठीक है, फिर उसने देखा कि भाई चलो ठीक है, इसके अंदर डिफ्लेक्शन आया, ठीक है, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्या मैं इस बैटरी का स्विच ऑफ कर दूं? और आप सभी को पता है जब बैटरी का स्विच ऑफ हो जाता है तो बेसिकली करंट पास होना बंद हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी स्टॉप्स, और जब इलेक्ट्रिसिटी स्टॉप हो जाती है देर विल बी नो करंट इन एक्स वाई वायर। ठीक है, मैं इसको थोड़ा और जूम कर देता हूं, देर विल बी नो करंट इन एक्स वाई वायर, इफ देर इज नो करंट इट मीन्स मैग्नेटिक निडल डज नॉट डिफ्लेक्ट एनी मोर। ओके, सो मैग्नेटिक निडल का डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, इट मीन्स देर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब देर आर टू पॉइंट्स, जब करंट पास हुआ था तब मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट हुई थी, और जैसे ही करंट स्टॉप करते हैं मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट होना बंद कर देती है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी बंद हो जाता है। तो इट मींस देर आर सर्टेन रिलेशनशिप्स बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड स्टॉप्स एज सून एज इलेक्ट्रिसिटी स्टॉप्स, मैग्नेटिक फील्ड starts as soon as electricity starts in the wire. Clear? That is the experiment, बच्चों. I hope कि आपको ये समझ में आ गया होगा. ठीक है, You must have a book. This is the NCERT. और आप chapter number 13 open करके पढ़ सकते हो अच्छे से. फिर भी अगर कोई doubt है, you can ask me anytime. Okay? I am always online for you people. Now next. Next, this is the next one, magnetic field and field lines. What is magnetic field? Suppose this is a magnet. This is a magnet. Okay? और आप सभी को पता है, remember, याद करो, when you were in 8th class,
तो टीचर ने डेफिनेटली ही मस्ट हैव टोल्ड यू, अगर कोई मैग्नेट है तो उसके दो पोल होते हैं, वन इज नॉर्थ सेकेंड इज साउथ पोल, ठीक है, रिमेंबर वन इज नॉर्थ सेकेंड इज साउथ पोल, ठीक है। तो एक मैग्नेट है और मैग्नेट तो आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है, एक ब्लैक स्टोन होता है बेसिकली जो कि अट्रैक्ट करता है आयरन पीसीस को, आयरन पीसीस मतलब लोहे के जो पीस होते हैं, ठीक है, उसको अट्रैक्ट करता है बेसिकली, ठीक है, मैग्नेट। अब उसका एक फील्ड होता है, मान लो दिस इज ए काइंड ऑफ बाउंड्री। अब कोई लोहे का पीस अगर इस बाउंड्री के अंदर लेके आओगे तो बेसिकली अगर मैग्नेट ने उसको अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, और जैसे ही वो पीस इस बाउंड्री से दूर जाएगा तो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाई। तो इट मींस हर मैग्नेट के आसपास एक बाउंड्री होती है जिसके अंदर अगर किसी आयरन पीसेस को रख दिया जाए तो बेसिकली मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर लेगी, और जिससे बाहर अगर आयरन पीसेस को रखा जाए, मैग्नेट कैन नॉट अट्रैक्ट दैट आयरन पीसेस। ओके माय फ्रेंड, सो इट मींस दिस इज ए मैग्नेटिक फील्ड। और आप लोग पढ़ भी सकते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है, अगर मैं पढ़ूंगा तो आप बोर हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद आई विल डिस्कस अबाउट फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस क्या होती हैं? देखो बच्चों, हर मैग्नेट, एवरी मैग्नेट पॉसेस ए लाइंस, ठीक है, विच वी कैन नॉट सी, हम उनको देख नहीं सकते, बट देर आर सम लाइंस, ऐसा अज्यूम किया गया है, ठीक है। और क्या इस बात को सपोर्ट है? यस, वी हैव द एक्टिविटीज जिसके जरिए हमने ये पता लगाया है कि हर मैग्नेट के पास आसपास कुछ लाइंस होती हैं, ठीक है, तो देख लेते हैं। दैट इज द एक्टिविटी आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट इज द एक्टिविटी, डोंट वरी, वी विल परफॉर्म इट इन द लैब। ओके, एवरी मैग्नेट हैज ए नॉर्थ एंड साउथ पोल एज यू नो, और हमारे पास एक बेसिकली आयरन पाउडर है, ठीक है, लोहे का बुरादा जिसको हम कह सकते हैं, दैट वी स्प्रेड ऑन दैट मैग्नेट, और फिर इस तरीके से पैटर्न बन जाता है। अब ये जो पैटर्न क्या है, दैट इज वी विल डिस्कस इन द लैब, ओके, डोंट वरी। तो इसका थोड़ा सा जो क्लियर पैटर्न है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दैट इज पैटर्न, दैट इज द पैटर्न बेसिकली। आप सभी को पता है कि जो मैग्नेट, ये जो आप गोल गोल लाइनें देख रहे हो ना ब्लू कलर की, बेसिकली ये है आपकी मैग्नेटिक लाइन्स, ठीक है, दीज आर द मैग्नेटिक लाइन्स बेसिकली। और ये जो मैग्नेटिक लाइन्स है, देखा ये गया है कि बेसिकली ये जो मैग्नेटिक लाइन्स है ये नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर करती हैं। रिमेंबर, नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल में एंटर करती हैं। इंग्लिश में कैसे लिखोगे? मैग्नेटिक लाइन्स एमिट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर्स टू द साउथ पोल, ठीक है, मैग्नेटिक लाइन्स emits from north pole and divert to the north south pole, ठीक है। जो डायरेक्शन अगर आपसे पूछी जाए कि भाई मैग्नेटिक लाइन्स की डायरेक्शन क्या होती है, तो आप कह सकते हैं इट emits from north pole and divert to the south pole, ओके, इट इज क्लियर। उसके बाद हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, बट दैट टॉपिक आई विल डिस्कस इन टू द सेकेंड वीडियो, ठीक है, सो वेट फॉर द सेकेंड वीडियो। और हाँ, इसमें एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन जो है मैं आपसे पूछ लेता हूँ अभी, और आप थोड़ा सा पढ़ लेना और पढ़ के ट्राई करना यहाँ से इस आंसर को लिखने का, ठीक है। Why does a compass needle get deflected when brought near a bar magnet? एक कंपास निडल क्यों डिफ्लेक्ट होती है जब वो किसी बार मैग्नेट के पास आती है, ठीक है, तो इसका आंसर आप ट्राई करना, आप लोग के पास बुक्स तो होंगी ही, ठीक है, एक बार उसको ओपन करके देखना और ट्राई करना, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ना, स्टार्टिंग का जो होता है वहां से आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा तो डेफिनेटली इस आंसर को चेक करूंगा, हैव यू डन, हैव यू रिटन और नॉट, ओके। सो अभी के लिए बच्चों, जय हिंद जय भारत, ठीक है, पढ़ते रहे, हमेशा अपने घर में रहें, सेफ रहें, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।